Hey, welcome back and good evening to all my dear students. This is Solmed English Classes और आप देख रहे हैं English की class शहंशाह सर के साथ. जैसा कि आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई अब तक अभी हम लोग जो शुरू किए हैं syntax की class शुरू किए हैं और syntax in the sense formation of sentences कहलाता है, मतलब वाक्यों की बनावट. syntax का मतलब होता है वाक्यों की बनावट. भाई अब तक हमने कई सारे videos इसको upload कर चुके हैं और आप उसको देख भी रहे हैं और उस ढेर सारा प्यार आपका मिल रहा है. जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें और इसको फिर उसके बाद देखें, और जो अभी देख रहे हैं सर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ लॉजिकल चीज़ें ज़रूर बता के जाता हूँ मेरे भाई. तो आप इस बात को समझ सकते हो कि लॉजिक सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद मैजिक तो अपने आप हो जाएगा मेरे बच्चे. ठीक है ना, आज शुरू करते हैं आज की कहानी शहंशाह सर की ज़ुबानी. देखते हैं मेरे बच्चे क्या है ये कहानी. तो मे और माइट की कहानी को देखें तो पॉसिबिलिटी की कहानी समझ में आती है, और मे और माइट की पॉसिबिलिटी दोनों से निकल के आती है. लेकिन सर कैसी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी? तो पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है कम, एक होती है ज़्यादा. या तो एक होती है ज़्यादा और एक होती है कम. कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम. आओ मेरे प्यारे, देखो ध्यान से, कमाल करते हो शहंशाह सर. आप भी गलत अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देते हो, कभी कभी गलत नहीं बोलते हैं सर. देखो, तो मे का हमारा मोर पॉसिबिलिटी और माइट का हुआ मेरे बच्चे लेस पॉसिबिलिटी. मेरे बच्चों देखो, लेस मतलब कम और मोर मतलब ज़्यादा अधिक. अब हम इस सेंटेंस को लेके चले. मैंने आपके सामने टोटल 5 एग्जांपल्स मैंने लिखा है, और इस कहानी को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस हमारी अधूरी कहानी जो अब तक अंग्रेजी की हुई है शिकारी टीचरों के माध्यम से. आओ शहंशाह सर के साथ मिल करके जुड़ करके हमारी पूरी कहानी करते हैं मेरे बच्चे. आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से. आज बरसात हो सकती है, यहाँ पे हमारा मे भी हो जाएगा और माइट भी हो जाएगा. जिस तरह का ऑप्शन हो दोनों तरीके कर देंगे, क्योंकि भाई आज बरसात हो सकती है संभावना इस तरह से. एक्सप्रेशन के आधार पे देखो, एक्सप्रेशन के आधार पे अपने सर आज वर्षा हो सकती है सर, इट माइट रेन. तो इमोशन समझ जाओ कि वो क्यों यूज कर रहा है, उम्मीद कम दिखा रहा है. और कहते हैं इट मे रेन सर या इट मे रेन टूडे. ओ लगता है 90% उम्मीद है कि हो सकता है, तो दोनों हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अंतर समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अनुसार. दूसरा सेंटेंस है रेन बिकॉज द वेदर इज काम. भाई वेदर बहुत ही शांत है, मौसम बहुत ही शांत है, हो सकता है बारिश हो. संभावना अधिक है कि कम है, बोलो ना, संभावना अधिक है कि कम है? कहोगे सर जब वेदर काम है, शांत है, है ना, चुप है, तो भाई जाहिर सी बात है हो सकता है कि हो, तो इसलिए संभावना अपने आप में कम है. इसलिए हम जो भी लगाएंगे मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, माइट का यूज करेंगे. क्या लगाएंगे? माइट का यूज करेंगे. ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट करके जरूर बताना बच्चे कैसा लग रहा है ये वीडियो, अंत तक जरूर देखो. देखो बड़े ध्यान से, रेन इन समर, भाई गर्मी के मौसम में, समर का मतलब गर्मी का मौसम में बरसात होने की संभावना, ये तो खुले रूप से एकदम ओपन चैलेंज दे रहा है कि अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे. भाई बरसात के मौसम में संभावना कम होती है बारिश की, तो माइट का यूज करोगे ना, बोलो ना. अरे बताओ तो सही, आओ तो सही, देखो ना. अब देखो दूसरी बात क्या बेटा, शी मेरे बच्चे यहाँ पे हम शी यहाँ पे कम्स भी कर सकते हैं, केम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना. आप केम भी करिए यहाँ पे, है ना, कम्स भी करिए, केम भी करिए, कोई बड़ी बात नहीं. आ जाओ बच्चे, तो शी कम्स फ्रॉम दिल्ली विद इन 12 आवर्स, है ना मेरे बच्चे, विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में वो दिल्ली से आ जाती है, या 12 घंटे में वो दिल्ली से आई थी. भाई संभावना कम है कि ज़्यादा, बताओ तो सही, है ना. संभावना कम है कि भाई दिल्ली से 12 घंटे में आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आ सकते हैं मेरे भाई. तो यहाँ पे हम संभावना क्या करेंगे मेरे बच्चे, मे का यूज करेंगे. लेकिन यही पर्सन है और यहाँ पे टाइम तुम्हारा क्या दे दिया गया है, 2 घंटे के अंदर दिल्ली से आने की जब बात है, तो संभावना तो एकदम जादू वाली है. लेकिन इस समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो है, बट उम्मीद थोड़ा सा कम कर सकते हैं. ठीक है ना, उम्मीद हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, संभावना हम थोड़ा सा कम बता सकते हैं. ठीक है मेरे बच्चे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शी माइट कम्स या शी माइट, सॉरी ये तो सही मैंने लिखा था, सॉरी भी वन आता है मेरे बच्चे. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो सॉरी फॉर दैट, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है. ठीक है ना, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब जो आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा मेन वर्ब जो होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है. ठीक है ना, और अभी जो हमने शुरू किया वो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. सो इसको गांठ बांध देना, मेरी तरफ मिस मत कर देना. ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट होता है कभी कभी, इसमें बड़े बड़े दोस्तों में छोटी बातें होती हैं, टेंशन नहीं लेने का. तो शी मे कम और शी माइट कम फ्रॉम दिल्ली विद इन 12 आवर्स और विद इन
2 आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, जैसा भी हो मेरे बच्चे, कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और देखते रहो सॉल्वमेंट इंग्लिश क्लासेस। शहनशाह सर के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।